बात करते हैं पन्ना की, जहां उदयपुर हत्याकांड मामले में थाना प्रभारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि राजस्थान की गहलोत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और कन्हैया लाल हत्याकांड की सीबीआई जांच करवा कर हत्यारों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि आतंकवादी संगठन सिमी का अवतार कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संपूर्ण देश में बैन किया जाए। वहीं राजस्थान में रहने वाले राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन सब पर कानूनी कार्यवाही की जाने के साथ ही मृतक के परिजनों को 5 करोड़ मुआवजा राशि दिए जाने की मांग भी की गई है। विराट 24 के लिए पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली उदयपुर में दिन दहाड़े हिंदू युवक की इस्लामिक जिहादियों द्वारा दुकान में घुसकर की गई निशंक हत्या के संदर्भ में। महोदय, उदयपुर में दिन दहाड़े हिंदू युवक की नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर इस्लामिक जिहादियों द्वारा दुकान में घुसकर निशंक हत्या कर वीडियो जारी किया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धमकी देकर देश की संप्रभुता को चुनौती दी है। इस घटना से संपूर्ण राष्ट्र का हिंदू समाज आहत हुआ है। मृतक कन्हैया को गत 7 दिनों से जान से मारने की धमकियां इस्लामिक जिहादियों द्वारा मिल रही थी। उन्हें संबंधित थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की सुरक्षा कन्हैया को उपलब्ध नहीं कराई। राजस्थान हिंदू समाज के लिए आतंक का पर्याय बन गया है। आतंकवादी संगठन सिमी का अवतार कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की अत्यधिक सक्रियता और उनके वोटों की लालची राजस्थान की गहलोत सरकार भी न केवल उनके असंवैधानिक दुष्कृतियों की अनदेखी कर रही है, बल्कि उनको हिंदू समाज पर और अधिक अत्याचार करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। पिछले वर्षों से राजस्थान के हिंदू समाज को षड्यंत्र पूर्वक आतंकित व प्रताड़ित किया जा रहा है। इस्लामिक आतंकियों को राज्य सरकार का खुला समर्थन प्राप्त है। राजस्थान में योजना पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव श्री राम नवमी पर शोभा यात्राओं पर पथराव पर और हमले किए गए, जिसके कारण अनेक स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। राजस्थान में तनाव की स्थिति बनी। हिंदू समाज ने धैर्य रखा, जिसके कारण कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। बाद में कुछ स्थानों पर हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर भी पथराव हुआ। बूंदी में मौलाना मुफ्ती नदीम सहित अन्य मुस्लिमों लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन व हिंदू समाज को खुलेआम जिला कलेक्ट्रेट पर हिंसक धमकी दी गई। मौलाना मुफ्ती नदीम सहित प्रदर्शन करने वाले सभी मुसलमानों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। विश्व हिंदू परिषद धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह मांग करता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बंदूक कन्हैया लाल हत्याकांड की सीबीआई जांच कराकर हत्यारों को मृत्युदंड दिया जाए, आतंकवादी संगठन सिमी का अवतार कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI संपूर्ण देश में बैन किया जाए, राजस्थान में रहने वाले राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन सब पर कानूनी कार्रवाई की जाए, मृतक के परिजनों को 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश जारी करें। भारत माता की जय।